हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप नववारी साड़ी या फिर धोती स्टाइल साड़ी ड्रैप कर सकते हैं बहुत इजीली। और मैं सेम फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ जो फैब्रिक नववारी साड़ी के लिए लगती है, मैं कोई डिफरेंट फैब्रिक में नहीं दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। आप अगर कभी फैब्रिक को पहनना चाहते, ये फैब्रिक में साड़ी पहनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसके लिए, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको लेगिंग्स पहन लेना है, उसके बाद आपको साड़ी को दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक नॉट बांध लेना है। नॉट बांधने के बाद आपको आपके पैर के बीच से जो है साड़ी का हाफ पोर्शन निकालना है, जैसे कि मैंने वीडियो में निकाल रही हूँ। सेम एज इट इज़ आपको स्टेप फॉलो करते जाना है। उसके बाद आपको अच्छे से अपने पल्लू अपने साड़ी के प्लेट्स बना लेने हैं। प्लेट्स बनाना तब तक है जब तक कि आपकी साड़ी पूरी पीछे तरीके से, जहाँ तक कि प्लेट का पूरा टाइट ना हो, प्लेट पूरा कंप्लीट अपनी साड़ी का बना लेना है और उसको पीछे टक कर देना है। जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपको साड़ी को अच्छे से पीछे प्लेट को टक कर लेना है। प्लेट्स को टक करने के बाद आगे का जो पोर्शन है, देखिए जो कोने का बच गया है, उसको आप अच्छे से फिर से प्लेट्स बना लीजिए। उसको प्लेट्स बनाने के बाद आपको आपके पैर के, मतलब साड़ी फंसनी नहीं चाहिए। अगर आपकी साड़ी के जो प्लेट्स बड़े होंगे, आपके पैर में फंस रहा है, तो उसको और आगे की तरफ खींच लीजिएगा। मेरा एज इट इज़ देखिए पूरा एकदम परफेक्ट आ रहा है, तो मुझे खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आपकी साड़ी बड़ी है या फिर आपके पैर में फंस रहा है, तो उसको प्लेट्स को आगे की तरफ खींच लीजिएगा। और उसके बाद आपको फिर से जैसे मैंने टक कर 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 लिया है आगे की तरफ, आपको भी वैसा टक कर लेना है। उसके बाद आपको दूसरा पोर्शन लेना है और पीछे से निकालना है आपके पैरों के बीच से, और आपको फैब्रिक जो है, जो साड़ी है, उससे फिर से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करने हैं। प्लेट्स बनाना तब कम बनाना है क्योंकि इसमें आपको पल्लू भी लेना है, और ये जो साड़ी है नववारी होती है तो बड़ी होती है, तो आपके ऊपर है आपको कितना प्लेट्स चाहिए वो आपके ऊपर है, आपका पल्लू कितना बड़ा चाहिए, लेंथ कितनी बड़ी चाहिए वो आपके ऊपर है। देखिए मैंने प्लेट्स बना लिए हैं और मैंने उसको लास्ट तक पूरा प्लेट्स बनाया, मतलब पीछे पूरा टाइट हो जाए, मतलब पीछे से साड़ी एकदम परफेक्ट दिखे, उतना तक मैंने प्लेट्स बना करके उसको पीछे की तरफ टक कर लिया है। उसके बाद मैंने प्लेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। इस साड़ी का प्लेट इक्वल नहीं आता है क्योंकि ये जो साड़ी है ना, हम इसको आगे से नहीं ले रहे हैं, मतलब इसको आगे की तरफ टकिंग नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा पूरा पोर्शन जो है प्लेट्स के लिए जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका पल्लू जो है इक्वल रहे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इक्वल नहीं रहेगा पल्लू, ऊपर नीचे पल्लू रहेगा। तो आप ना पहले पल्लू अच्छे से बना लीजिए, फिर उसके बाद जो है प्लेट्स को अच्छे से बना लीजिए। आप लोग पहले प्लेट्स अच्छे से, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से अच्छे से प्लेट्स बना लीजिए। फिर उसके ऊपर आपको जब प्लेट्स को अपने कंधे के ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद आपको इसको एडजस्ट करना है। मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगी। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो आपके बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे और चीज़ें आप लोगों को सिखाऊं और आप लोग मुझे अपना ढेर सारा प्यार दे सकें। तो देखिए मैं अपने प्लेट्स को कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। देखिए मेरा आगे, अगर मैं एडजस्ट नहीं करती तो आगे की तरफ जो मेरा पैर में है ना पल्लू फंसता। इसके लिए मैं अपने प्लेट्स को पीछे की तरफ एकदम अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ। आप लोग भी सेम एज इट इज़ एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद आपको पिन लगा लेना है। पिन लगाने के बाद आपको जो है अपने प्लेट्स को फिर से अगेन बराबर करने हैं। देखिए क्या है ना, ये साड़ी का जो फैब्रिक होता है ना, वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता है और एक बराबर ये बनता भी नहीं है। तो आपको ना अच्छे से आपके जो भी साड़ियां हैं उसको अच्छे से आपको बनानी पड़ेंगी। इसमें फैब्रिक में ऐसा होता है। तो मैं देखिए पूरे अच्छी तरीके से ना जो साड़ी को पूरा एडजस्ट कर रही हूँ, प्लेट्स को एडजस्ट कर रही हूँ, और ऑलमोस्ट मेरी साड़ी बहुत अच्छे तरीके से मैंने ड्रैपिंग भी कर ली है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, इसी तरीके से आप इजीली ना साड़ी नववारी आराम से ड्रैपिंग कर सकते हैं। मैं वीडियो में ना आपको थोड़ा सा ना मराठी स्टाइल लुक क्रिएट करके दिखा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ उससे देख लीजिएगा जैसे कि मराठी में क्या क्या पहना जाता है। जैसे चांद वाली टिकली पहनी जाती है, लिपस्टिक बेसिक चीज़ है, लिपस्टिक लगाने से पूरा फेस जो है अच्छा लगने लगता है, तो लिपस्टिक लगाना बहुत ज़रूरी है।
और ये देखिए ये सबसे ज़्यादा मेन है, इससे पता चलता है कि ये मराठी साड़ी पूरा लुक मैंने क्रिएट कर लिया है। नोज़ रिंग जो इनकी होती है वो पहन लीजिए। और अगर आपको, मैंने इसमें हेयर स्टाइल नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सिखा रही, आप लोगों को बता रही थी कि किस तरीके से नौवारी साड़ी पहनते हैं, तो इसलिए मैंने हेयर स्टाइल नहीं लिया, कोई मेकअप भी नहीं किया है, बस मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रही थी। बट आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरीके से आप अपना प्यार मुझे देते रहिए। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई और स्टाइल की साड़ी सीखनी है तो कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।